विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम, क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाड़ावाला। डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संस्कृत टीचर कक्षा दसवीं विषय संस्कृत। मैं आज आपको बिंसा पाठा विदिशा नामक पाठ का हिंदी अनुवाद समझाने जा रहे हैं। आप ध्यान से समझिए, आप अपनी बुक निकाल लीजिए, मैं हिंदी समझाते जाऊंगी, आप संस्कृत में मिलाते जाइएगा। देखिए, संस्कृत साहित्य में पत्र लेखन परंपरा पूर्व काल से आज तक सशक्त और वृद्धि प्राप्त है। पत्र के माध्यम से ही अपने मनोगत हार्दिक भावों को पत्र प्रेषक प्रकट करता है। मुख्य विषयों को यहाँ संक्षिप्त करके ही प्रस्तुत किया जा रहा है। विषय के अनुकूल अनुरूप ही उपक्रम और उपसंहार लिखे जाते हैं। प्रस्तुत पत्र में विदिशा की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विशिष्टता वर्णित है। पूज्यपाद पितृचरण श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता है। यहाँ कुशल है, वहाँ भी आपको विदित होवे कि मेरा अध्ययन इस वर्ष अच्छी तरह चल रहा है। पिछले सप्ताह में हमारे विद्यालय का शैक्षणिक भ्रमण दल विदिशा नगरी गया था। सॉरी, उस दल के साथ मैं भी गया था। मध्य प्रदेश में स्थित यह नगरी पौराणिक और ऐतिहासिक भी है। विदिशा पूर्व काल से भेलसा इस नाम से विख्यात थी। इसका कारण सूर्य देवता के मंदिर भेल स्वामी का होना लोक प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में विदिशा नगरी एक समुन्नत व्यापार का केंद्र थी। योग दर्शन के रचयिता व्याकरण महाभाष्य की कर्ता महर्षि पतंजलि सम्राट अशोक भी विदिशा से संबद्ध रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार हयर वंश के राजा यहाँ राज्य करते थे। आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से ज्ञात होता है कि त्रेता युग में शत्रुघ्न के द्वारा अपने पुत्र शुभाहु को यहाँ के शासक के रूप में अभिषेक करके इस प्रदेश को अपने अधीन किया गया था। कवि कुलगुरु कालिदास ने गीत काव्य मेघदूतम के पूर्व मेघ में इस नगरी को दशार्ण देश की राजधानी के रूप में वर्णित किया है। सबसे पहले हम सब लोग पुरातत्व संग्रहालय देखने के लिए गए। वहाँ कलात्मक पत्थर की प्रतिमाओं का अद्वितीय संग्रह है। बेशनगर नामक स्थल की खुदाई करने पर उपलब्ध हुई सामग्री भी यहाँ ही है। यहाँ यक्ष की ग्यारसपुर के साल भंजिका की सदाशिव की अप्रतिम प्रतिमाएं संग्रहित है। नगरी के बीच में लोहांगी स्मारक है। यहाँ संरक्षित शुंगकालीन शीर्ष स्तंभ के अवशेष कलात्मक दृष्टि से अपूर्व हैं। आगे का देखिए, इसके उत्तर पश्चिम दिशा में दुर्ग के मध्य में बीजा मंडल स्थित है। चर्चिका देवी का यह मंदिर विजय देवी का है, जिसने दूसरे नाम विजय मंदिर के नाम से लोक प्रसिद्ध को प्राप्त किया। बेत्रवती में बाएं तट पर एक कोस दूर स्थित है हेलियोडोरस स्तंभ। यह शुंग राजा के काशी पुत्र भागभद्र के शासन काल में निर्मित वास्तु कृति है। स्तंभ पर समुत्कीर्ण लेख में ज्ञात होता है कि तक्षशिला के रहने वाले दीर के पुत्र हेलियोडोरस नामक यवनाधिपति अंतलिकित के राजदूत के द्वारा
विदेशी होने के बावजूद भी श्री वैष्णव धर्म की दीक्षा ग्रहण की गई। यहाँ का गरुण शीर्ष स्तंभ हिंदू धर्म के प्रति अपनी उदार भावना को सूचित करता है। बेत्रवती के समीप बीच में गुफाएं 20 गुफाएं हैं, जो सब उदयगिरी गुफा नाम से विख्यात है। ये सब स्वर्ण युग के गुप्त काल की महात्म गाथा का गायन करते हैं। विदिशा से कुछ दूरी पर चितौरिया नाम के ग्राम में 9वीं-10वीं शताब्दी के प्रसारकाली ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश अर्धनारीश्वर की प्रतिमाएं दर्शनीय हैं। लास्ट पैरा देखिए, कालक्रम से यहाँ जैन धर्म संप्रदायों का विकास भी हुआ। विशेष रूप से गुप्त काल में चतुर्थ शताब्दी में रामगुप्त के शासनकाल में जैन तीर्थकरों की मूर्तियों का निर्माण और उनकी स्थापना गोलक्यानत्य के सुपुत्र चेलुक्षमण का उनके शिष्य आचार्य सर्पसेन की प्रेरणा से कराया गया था। निकट ही सांची नगर में बौद्ध संप्रदाय के स्तूप है। अंत में सभी बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को हार्दिक स्नेह, मित्रों के लिए शुभेच्छा प्रकट करता हूँ। आपका पुत्र मृदुल। तो देखिए, मृदुल ने अपने पिताजी को पत्र लिखा। मृदुल विदिशा के लिए गया हुआ था अपने स्कूल की तरफ से। वहां पर उसने जो देखा उसके विषय में उसने अपने पिताजी को बताया कि विदिशा नगरी क्यों प्रसिद्ध है। आया समझ में? तो बेटा, आज मैंने आपको विदिशा पाठ का हिंदी अनुवाद आपको समझा दिया। आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर भूलते हैं तो वीडियो में से आप फिर से देख सकते हैं। धन्यवाद।